एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी गॉर्जियस। मैं हूं निधि और आज मैं करने वाली हूं निविया मिल्क डिलाइट फेस वॉश का रिव्यू। ये ऑयली स्किन के लिए है। मेरी स्किन ऑयली है इसलिए मैंने इसको मंगाया है। इसमें चार वेरिएंट्स आते हैं, आपकी ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है या फिर आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो आप उनके लिए भी इसमें अलग अलग तरह के चार फेस वॉशेस उन्होंने लॉन्च किए हैं। और ये अभी बहुत ज्यादा पुराना प्रोडक्ट नहीं है, ये अभी कुछ ही दिनों पहले शायद एक महीना हुआ होगा इसको मार्केट में आए हुए। तो मैं सोचा यार मैं भी परचेज करके देखती हूँ किस तरह का है। सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग देख लीजिए, इतनी प्यारी इसकी पैकेजिंग है, जैसे कि एक ड्रॉप की पैकेजिंग ड्रॉप होती है उसी तरह की उन्होंने इसकी पैकेजिंग रखी है। तो मैंने इसे इसकी पैकेजिंग से इम्प्रेस होके ही मंगवाया है। प्रोडक्ट भी अच्छा है, चार दिन से मैं इसको यूज कर रही हूँ, सिर्फ चार ही दिन हुए हैं, उससे ज्यादा दिन नहीं हुए हैं यार। तो मैंने सोचा इसको यूज करने के बाद मुझे अच्छा लगा, स्किन से आपके एक्सेस ऑयल हटाता है। ऐसा नहीं है कि आप अपना फेस वॉश करेंगे तो आपका फेस ड्राई हो जाएगा, ड्राई बिल्कुल भी नहीं करता है, सिर्फ एक्सेस ऑयल को बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। इसके अंदर आपको ग्रामफ्लोर मिल जाएगा, इसके अंदर बेसन है और दूध है, तो आपकी स्किन को कहीं ना कहीं निखारने का काम भी करेगा, क्योंकि जो बेसन होता है वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से स्क्रब कर देता है, आपके स्किन टोन को इवन करता है। इसके अंदर आपको पैराबिन्स मिल जाएंगे। अगर आपको पैराबिन से मतलब थोड़ी सी परेशानी है या आप यूज नहीं करते हैं तो उन लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर बाकी ऐसा तो कुछ भी मतलब मुझे नहीं लगा है। इसके अंदर मतलब लगाने से कोई ऐसी इचिंग वगैरह नहीं हुई, कोई जलन नहीं हुई, कुछ नहीं हुई है, मुझे तो अच्छा ही लगा है। और इसकी प्राइसिंग है 85 रुपीज। इसमें आपको 2.5 ईयर्स की शेल्फ लाइफ मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, आई होप कि आप देख पा रहे हैं। तो प्रोडक्ट अच्छा लगा है, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। तो इतनी छोटी सी, इससे बड़ी पैकेजिंग भी आती है, आप वो चाहें तो वो भी ले सकते हैं। टेक्सचर में एक बार आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए आप, इस तरह का इसका टेक्सचर है, क्रीमी क्रीमी है। और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको लगा के भी दिखा दिया है। इस तरह से आप जैसे ही इस पे वाटर लगाएंगे ये लेदर करना शुरू कर देगा, बहुत अच्छे से लेदर करता है, फेस को बहुत अच्छे से वॉश करता है। इस तरह की कोई कमी आपको नहीं लगेगी कि इसने फेस को वॉश अच्छे से नहीं किया है, सारा एक्सेस ऑयल हटा देगा। जिस भी स्किन टाइप के हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप उसे ले सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को मेरी तरफ से तो हाँ ही है, मतलब ऐसा कोई बेकार नहीं है। और स्मेल इसकी बहुत अच्छी है, इसकी स्मेल बिल्कुल लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजर जैसी है। आपने अगर वो यूज किया है तो आपको इसकी स्मेल बिल्कुल वैसी ही लगेगी, बिल्कुल वैसी ही स्मेल है, क्रीमी टेक्सचर है लगाने के बाद, लेकिन साफ बहुत अच्छे से आपकी स्किन को कर देगा, बहुत अच्छे से क्लीन आपकी स्किन को कर देगा। तो आप चाहें तो आप इसको ले सकते हैं। मैंने नायका से परचेज किया है, मार्केट में मैंने अभी नहीं देखा है कि ये आया है या नहीं। अगर आपके मार्केट में मिल जाए तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। डिस्काउंट इसके ऊपर अभी कोई नहीं है क्योंकि अभी न्यू प्रोडक्ट है, इसलिए ये आपको मुझे 85 रुपीज में ही ऑनलाइन मिला है। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं, चाहें तो मार्केट से खरीद सकते हैं, जहां से चाहे वहां से खरीद सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर यही था मेरा रिव्यू। अगर मेरा रिव्यू थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आप मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।